मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बालाघाट के बूढ़ी स्थित कोविड अस्पताल परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर शत शत नमन किया और पौधारोपण किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर नानू कावरे, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन एवं पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने भी पौधारोपण किया। कृषि मंत्री पटेल ने कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत, प्रखर विद्वान, अध्येता, शिक्षाविद और राष्ट्रवादी चिंतक थे। भारत के उत्थान और विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। ये मेरा सौभाग्य है कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती समारोह में मैं शामिल हुआ और उनकी पुण्यतिथि 23 जून से लेकर 6 जुलाई जन्म जयंती तक पूरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में वृक्षारोपण का ये महाअभियान चला, जिसके आज जयंती के दिन बृहत स्तर पर वृक्षारोपण करके पूर्ण हुआ है। वृक्षारोपण से पर्यावरण की सुरक्षा होगी और इस कोरोना के संकट में हमको ऑक्सीजन की या हवा की कितनी आवश्यकता है सबको महसूस हुई, और इसलिए पर्यावरण बचाना है, जीवन बचाना है तो पर्यावरण को भी बचाना है, वृक्षारोपण करना है। और वो अभियान का पुण्य काम भारतीय जनता पार्टी ने समाज सेवा, देश सेवा और पर्यावरण की रक्षा के लिए किया है। इससे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा पर्यावरण हम देंगे और वर्तमान में भी हमको उसका लाभ मिलेगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।